2017-18 से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2017-18 में बीसी सखियों की संख्या 1699 थी। करते हैं, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से आप उन्हें प्रणाम करके अपने अभिवादन को पहुंचाएं। 29 राज्यों से बीसी सखियां आई हैं और अब बारी है अतिथियों के स्वागत की। बीसी सखियों द्वारा सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को श्री अन्न मिलेट्स दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आई। उन्होंने इस समय प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट की घोषणा की। उससे पहले बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खोलने के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपये उस बैंक अकाउंट में होना आवश्यक होता है, लेकिन जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खुले यह पहली बार हुआ है और करोड़ों लोगों ने इस संबंध में बैंक अकाउंट देश के अंदर एक अभियान चलाकर मिशन मोड पर लग करके अकाउंट खोले गए। और तब से आपने देखा होगा किसी भी योजना में, मैं अकेले एक दिन उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहा था कि हमने डीबीटी के माध्यम से कितना पैसा दिया होगा। अगर हम सामान्य यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं का हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में यह राशि लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास आती है। 3.5 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन डीबीटी के माध्यम से ही सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले होता है। और अगर प्रतिवर्ष जो ट्रांजेक्शन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर होता है, यह 70,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष है, जिसमें बैंकों के साथ लेन देन का जो भी मामले आते हैं, इन सभी कार्यक्रमों को हम देखें तो 75,000 करोड़ का। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जब कोरोना चरम पर थी, वैश्विक महामारी से दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने प्रयागराज की धरती में ऋषि सखी के इस अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आपने 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा संवाद उत्तर प्रदेश की ऋषि सखियों के साथ जो किया गया था, उस संवाद के कार्यक्रम को आपने अभी कुछ देर पहले यहां पर उस समय की रिकॉर्डिंग को देखा। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर खुश थे कि जो उनका विजन था व्यवहारिक धरातल पर कैसे जमीनी धरातल पर उतर रहा है, और उस समय जो कार्यक्रम देखने को मिला था। आज माननीय प्रधानमंत्री के विजन को मिशन के रूप में लेकर उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें, आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में आज के समारोह में जिनका मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ है, भारत सरकार के ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ग्राम्य विकास एवं उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय भारत सरकार की राज्य मंत्री माननीय साध्वी रंजन ज्योति जी, प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, सचिव ग्राम्य विकास भारत सरकार से शैलेश कुमार सिंह जी,
कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार।